जय हिंद दोस्तों। जब किसी बच्चे पर झूठा 498A का केस हो, घबराना नहीं। कानून में ऐसा कोई विधान नहीं है कि आपको सही काम के लिए सजा दी जाए। पहली बात, आपने वो काम किया ही नहीं होता जो केस आपके ऊपर पड़ गया होता है, लेकिन आपको डराया जाता है, आपसे डिमांड इतनी की जाती है, बच्चा डर जाता है कि मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा, मेरी इज्जत और मेरे मां बाप की इज्जत का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डर के इनको पैसा मत दो, इनकी औकात नहीं है इतनी, इन भिखारन झूठा केस करने वालियों की। इनको उसी तरह कोर्ट में लटका के रखिए जिस तरह एक पेड़ के ऊपर चमगादड़ी लटकी होती है, ना ये जमीन की रहे ना आकाश की। बिना छतरी के इनका मां बाप भी इनको सहारा नहीं देगा। उसी लड़की की इज्जत होती है जिसके साथ उसका पति होता है। एक और आपको बात बताता हूं, भयभीत नहीं होना। शरीफ बच्चे डर जाते हैं, इनका सामना करना। भय से जितना भागोगे, भय उतना ही लंबा होता चला जाएगा। फिर अंत में वही प्रोसीजर है, आप या तो शस्त्र गिरा देंगे या फिर गलत काम करेंगे। ऐसा मत कीजिए। शादी पर लाखों रुपए मत खर्चिए, कोर्ट में जाइए, सीधे सीधे शादी कीजिए। आज शरीफ लड़की से भी डर लगता है, शादी के नाम से डर लगता है। इसके लिए सबसे बड़ा और सुखद अनुभव यही है मेरा कि कोर्ट में जाकर के शादी कीजिए, कुछ ना कुछ लिया ना कुछ दिया। लड़कों को तकरीबन लगता है कि हमारी बहू घर में आई है, इसको गहने भी डलवाए जाएं, कोई जरूरत नहीं। लज्जा ही उसका सबसे बड़ा गहना है। अगर वो उसके पास है, उससे बड़ा सौंदर्य कोई दुनिया में है ही नहीं, और वो गहना ये त्याग चुकी हैं। पैसे नहीं देना, इनको कोर्ट में लटकाना। इसके जैसी ये जो लड़कियां होती है ना, जो कोर्ट में लटक रही होती हैं, 36 आशिक होते हैं इनके। दोस्तों, तुम भी किसी के आशिक बन जाना, कानून तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। कानून ने इजाजत दी है, जहां आपकी सहमति है वहां संबंध बनाइए। स्त्री पुरुष का रिश्ता तो आज कलंकित होकर रह गया है। पुरुष आयोग ये कोई पुरुषों के लिए नहीं बनाया जा रहा, ये उन स्त्रियों, पुरुष तो लड़ लेगा, आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत था और आगे भी मजबूत रहेगा। पुरुष नहीं डरता, पुरुष डरता है अपनी मां और बहन की इज्जत से, जहां वो झुक जाता है। इसके लिए पुरुष आयोग बना रहे हैं, उन महिलाओं के लिए जो माएं हैं और जो बहनें हैं उनके लिए। मैं इन तमाम माओं और बहनों से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, आप हमारे पुरुष आयोग का समर्थन कीजिए, जरूर कीजिए, वरना एक दिन आप पछताएंगी। गलत नहीं कह रहा, जिन औरतों ने ये चीजें भुगती हैं वो जानती हैं कि दर्द क्या होता है, इज्जत का दर्द क्या होता है, पाई पाई करके जोड़ा हुआ घर क्या होता है। कल की भूतनी शमशान का आधा हिस्सा कैसे मांग सकती है, कल की आई हुई है, घर का आधा हिस्सा चाहिए। तेरे बाप ने भी कभी देखा है मकान कैसे बनाया जाता है, या लूट के धंधे से बनाओगे। इसलिए पुरुष आयोग में हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ आइए, हमारा समर्थन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।